वेलकम बैक एवरी वन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैमसंग A70 की, और जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है वो ब्लैक कलर है। और इस कलर के अंदर यार खास बात ये है कि जब ये रिफ्लेक्ट होता है ना, तो इसके अंदर आपको रेनबो कलर का जो है वो शेड नजर आता है, वो आगे चल के जरूर देखिएगा। अनबॉक्सिंग करने से पहले हम थोड़े से इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। और फोन काफी बैलेंस स्पेक्स के साथ है। इसके अगर हम प्राइस की बात कर लें तो आपको ये $462 में अवेलेबल है। 6GB रैम, और काफी अच्छी बात है इसकी जो स्टोरेज है वो भी 128GB दी गई है, जो कि काफी बेहतर है। इसके अलावा खास बात यह है कि इसका जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच का आपको लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलता है। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैंने ये सोचा था कि यार जो डिस्प्ले है ना काफी बड़ा हो जाएगा और काफी बल्की हो जाएगा, लेकिन जब मैंने इसको यूज करके देखा तो इसकी जो फील है वो काफी अच्छी आ रही है। उसकी जो शेप है वो भी काफी बेहतर है, और काफी स्लिम में और काफी हैंडी फील होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी है वो भी काफी बेहतर यूज की गई है, 4500 mAh की। और इसके साथ साथ इसका जो डिस्प्ले है वो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है, प्लस इसके अंदर प्रोसेसर भी काफी बेहतर है, 675 स्नैपड्रैगन। और बैक पे आपको ट्रिपल लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरा भी काफी इंप्रूव कर लिया सैमसंग ने, जो कि 32 मेगापिक्सल का है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे यार इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो यस, मेरे ख्याल से इसका जो डिस्प्ले है वाटर ड्रॉप नॉच वाला, अगर यहाँ पे इसको रिमूव करके टोटल ही बेजलेस कर दिया जाता तो बहुत ही बेहतर होता। ऑलमोस्ट इसकी जो बेजल्स हैं वो काफी मिनिमल हैं, लेकिन फिर भी यार जैसा ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर $462 के अंदर आपको मार्केट के अंदर जैसा ओप्पो का F11 प्रो देखने को मिल जाता है, वीवो की तरफ से 15 प्रो देखने को मिल जाता है, जो कि कंप्लीटली बेजललेस हैं और पॉपअप कैमरा के साथ हैं। आई थिंक यहाँ पे भी ये थोड़ा सा डिजर्व करता था अगर हमें यहाँ पे दिया जाता। अगेन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जबकि आपको चाइनीज ब्रांड्स के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले अभी तक देखने को नहीं मिला। आई थिंक इस वजह से शायद वहां पे उन्होंने सुपर एमोलेड डिस्प्ले को रिमूव किया है और यहाँ पे इन्होंने वाटर ड्रॉप नॉच दे दी है, मे बी इसलिए इन्होंने प्राइस को बैलेंस किया हो। इसके साथ साथ मेरे नजदीक एक सजेशन इसके अंदर और है, बैक पे अगर आप कैमरा की बात करें तो आपको मेन कैमरा के साथ साथ वाइड एंगल लेंस और डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। आई थिंक डेप्थ सेंसर की इतनी जरूरत नहीं है, जब डेप्थ सेंसर वाले लेंस नहीं भी आ रहे थे मोबाइल फोन के अंदर तो हम सॉफ्टवेयर से गुजारा कर रहे थे। यहाँ पे अगर टेलीफोटो लेंस दे दिया जाता तो बहुत ही बेहतर होता कि यार अगर उस तरह की फोटोज भी लेना चाहते हैं टेलीफोटो लेंस के साथ, तो वो भी हमें जो है एक डिफरेंट टाइप की फोटोग्राफी का चांस दे देते। और इसके साथ साथ एक सजेशन और है मेरी कि यार आजकल जैसे गेमिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो डेफिनेटली 675 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बेहतर है काफी, लेकिन अगर सैमसंग भी थोड़ा सा स्टेप ले ले और अपने इस डिवाइस के अंदर अगर 800 सीरीज का कोई प्रोसेसर ले आता, जो कि आप कह लेंगे फ्लैगशिप लेवल का, जो कि आप कह लेंगे मेरी विश ये है कि आ जाए तो बहुत बेहतर है, तो अगर ये 800 सीरीज का प्रोसेसर इसके अंदर आ जाता तो मैं कहता हूं इसकी जो परफॉर्मेंस और जो ओवरऑल वजन था ना वो कह लेंगे ज्यादा ही जबरदस्त हो जाता। वैसे मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि बैलेंस है काफी, लेकिन ये मेरा विश लिस्ट में है। पहले मैंने आपको रिकमेंडेशंस बता दी टेलीफोटो लेंस वाली और फ्रंट बेजल रिमूव वाली, लेकिन जो तीसरी मेरी विश लिस्ट में है ना वो ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर होता ना वो 800 का होता। क्या मेरी विश लिस्ट से एग्री करते हैं स्मार्टफोन वाली, तो आप जरूर बताइएगा। तो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो आ जाइए मिलकर करते हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चले चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हमने जो फोन सेलेक्ट किया है उसकी बहुत ही हाइप बनी हुई है, और वो फोन है सैमसंग गैलेक्सी A70। अब आप कहेंगे यार इसके अंदर खास बात क्या है, तो इसके अंदर खास बात यह है कि 6GB रैम है, 128GB एक ह्यूज इंटरनल मेमोरी है। इसके साथ साथ सैमसंग ने कैमरास पे भी काफी फोकस किया है, बैक पे ट्रिपल लेंस कैमरा सेटअप दे दिया है और वो भी काफी इंप्रूव्ड है। 32 है प्राइमरी लेंस कैमरा, सेकंड है 8 मेगापिक्सल, और जो थर्ड कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। जब भी आप फोन लें तो मेक श्योर कर लें आपकी जो सील्स हैं वो इंटैक्ट हों, जैसा कि आपने देखा। तो जैसे ही आप बॉक्स रिमूव करते हैं तो आपको एक और बॉक्स देखने को मिलता है अंदर, उससे नीचे आपको IMEI स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं और उससे नीचे आपको डिवाइस देखने को मिल रही है। डिवाइस को देखने से पहले अगर मैं ऊपर वाला बॉक्स ओपन करूं तो उसके अंदर आपको क्लस्टर क्लियर TPU देखने को मिलता है और वारंटी कार्ड है, और इसके साथ साथ आपको क्विक गाइड देखने को मिल जाती है मल्टीपल लैंग्वेजेज में, इंग्लिश, अरेबिक, उर्दू, हिंदी, इस तरह की जो लैंग्वेजेज हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ इसका फ्रंट कैमरा भी काफ़ी इंप्रूव है, 32 मेगापिक्सल का, और इसकी जो बैटरी है यार वो भी कमाल की यूज़ की गई है, 4500 mAh। इसके अंदर आपको सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट का एक वारंटी कार्ड भी मिलता है और कह लेंगे मेंबरशिप कार्ड भी है। इससे आपको फायदा ये होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको लॉयल्टी प्रोग्राम मिलता है, उस पर कुछ डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। हम डिवाइस को देखने से पहले इसके एक्सेसरीज को देख लेते हैं। तो चार्जर जो है इसका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और इसकी जो केबल है वो टाइप सी को सपोर्ट करती है। फाइनली आपको इसके अंदर टाइप सी देखने को मिल जाता है, जो कि आप कह लेंगे कॉमन टेक्नोलॉजी हो चुकी है इस वक्त के हिसाब से। इसके साथ साथ अगर हम बाकी इसकी एक्सेसरीज को देखें तो आपको बॉक्स के अंदर हैंड्स फ्री नज़र आ रही है, ये मैं आपको टाइप सी केबल दिखा रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अगर हम इस ओवरऑल इसकी बात कर लें फोन की, तो काफ़ी बैलेंस स्पेक्स हैं। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर F2.0, स्क्रीन साइज होने वाला है 6.7 इंचेस, 1080x2400 pixels की रेजोल्यूशन होगी, इसके अंदर जो PPIs हैं वो 393 सपोर्टेड हैं। इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है। तो मैं इसका जो कलर अनबॉक्स कर रहा हूँ है ब्लैक कलर, और मैं रैप रिमूव कर रहा हूँ। जैसे ही हम रैप रिमूव करते हैं तो इसकी जो हमें शेप नज़र आने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आने वाली है। ये ब्लैक नहीं है बल्कि आप कह लेंगे शाइनी ब्लैक है, और इसके अंदर जो कलर्स हैं आपको
वो रेनबो टाइप के नज़र आ रहे हैं। मैं फ़ोन को क्लिक कर देता हूँ ऑन करने के लिए भी, और इस दौरान फ़ोन हमारा ऑन हो रहा होगा और इसके साथ साथ हम इसके बाकी जो फ़ोन है इसकी जो बॉडी है वो एक्सप्लोर करते हैं। बैक पर ट्रिपल लेंस कैमरा सेटअप जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 32, 8 and 5। उसके नीचे आपको LED फ्लैश लाइट गिवन है और नीचे आपको सैमसंग का लोगो देखने को मिलता है। ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है रेनबो लुक की वजह से। नीचे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ आपको ऑडियो जैक देखने को मिलता है 3.5 mm। आई थिंक अभी इसमें ऑडियो जैक जो है वो भी रिमूव कर देना चाहिए और जो ब्लूटूथ होनी चाहिए हैंड्स फ्री वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको सिम ट्रे देखने को मिलती है जो कि ट्रिपल स्लॉट को सपोर्ट करती है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें आपको तो 675 स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है विथ एड्रीनो 612, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। अगर इसके अंदर 800 सीरीज का प्रोसेसर डाल दिया जाता है 70 के अंदर तो मैं कहता हूँ कमाल ही हो जाता। फ़ोन का हमारा सेटअप भी ऑन हो रहा है तो इसके अंदर आपको फेस अनलॉक भी गिवन है, फिंगर अनलॉक भी गिवन है। फिंगर अनलॉक आपको इसका डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बेहतर होने वाला है। और इसकी स्पीड कैसी परफॉर्म करती है वो हम आगे चल के टेस्ट करते हैं कि इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक है वो सही भी परफॉर्म करता है या नहीं करता। 6.7 इंचेस का आपको एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो फील है फ़ोन की वो कंफर्टेबल है काफ़ी और थोड़ा सा हैंडी फ़ोन लग रहा है। आपको वन हैंड से ऑपरेट करने में हो सकता है मुश्किल हो, कुछ लोगों के लिए ये कंफर्टेबल भी है। एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो भी लेटेस्ट है 9.0 पाए। फ़ोन हमारा डिस्प्ले में ऑन हो गया है, इसमें आपको कुछ बिल्ट इन ऐप्स नज़र आ रही होंगी देखने में। और इसके साथ साथ आपको मैं बाकी फ़ोन भी एक्सप्लोर करवाता हूँ चल के, इसका कैमरा, इसका फिंगरप्रिंट लॉक, इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है वो आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। इसमें ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है और कोरल कलर है। और सबसे पहले हम इसका कैमरा ओपन कर लेते हैं बैक पे, और इसकी जो स्क्रीन रेशियो है वो मैंने फुल किया तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर, पिक्चर मैंने क्लिक की है और देखते हैं कि इसका बैक कैमरा जो प्राइमरी लेंस है वो कैसा फोकस करता है। और पिक्चर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्ड शॉट ले रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे तो इसका कैमरा का रिजल्ट फर्दर भी इन्हेंस हो सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको मैं फर्दर ऑप्शन भी एक्सप्लोर करवाता हूँ। अल्ट्रा वाइड लेंस भी गिवन है, लाइव फोकस है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर जो फर्दर अदर ऑप्शन हैं वो भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, सेटिंग्स में आप जाके देखेंगे। ओवरऑल फ़ोन जो है उसका कैमरा जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मेरा हमेशा से मानना ये है कि कैमराज के मेगापिक्सल बढ़ाने के बजाय ओवरऑल फ़ोन की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है सेम पोजिशन है और काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है। अब अगर आपका जस्ट मेगापिक्सल इंक्रीज़ हो रहे हो, आपका अपर्चर इंक्रीज़ ना हो रहा हो, आपके लेंस की क्वालिटी इंक्रीज़ ना हो रही हो, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है तीन लेंस हों या 6 लेंस हों। तो हम ये कहते हैं कि आप बेशक हमें एक लेंस दे दें बट क्वालिटी जो है उसकी इंप्रूव करें। तो इस फ़ोन के अंदर आप देख सकते हैं जो प्राइमरी लेंस है काफ़ी बेहतर है, 1.7 अपर्चर के साथ है, यानी कि इसके जो लो लाइट कैप्चरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो भी आपका 32 मेगापिक्सल देखने को मिलता है विद अपर्चर 2.0। और इसके साथ साथ आपका पोर्ट्रेट मोड भी गिवन है और फ्रंट कैमरा भी काफ़ी इंप्रूव्ड है। अगर आप सैमसंग के पुराने फ़ोन्स को देख लें तो उसकी निस्बत आप कह लें कि बहुत ही चेंज आ गया है सैमसंग के मोबाइल्स के अंदर। पुराने फ़ोन जो होते थे उसके अंदर आपको पता है कि कैमराज के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट नहीं थी, लेकिन चाइनीज स्मार्टफोन्स ने आके कैमरा के अंदर काफ़ी कंपटीशन ऑन कर दिया है। तो इस वजह से सैमसंग ने भी काफ़ी जो है फोकस कैमरा के ऊपर शुरू कर दिया है। इस डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है, लेकिन अगर यहाँ पे इन्फिनिटी नॉच के बगैर यानी कि टोटल इन्फिनिटी डिस्प्ले आ जाता तो एक्सपीरियंस और भी शानदार हो जाना था, क्योंकि कुछ फ़ोन एक्सपीरियंस करने के बाद इन्फिनिटी वाले मुझे जो नॉच है आप पर्सनली अच्छी नहीं लगती। अगर हम इसका पैटर्न लॉक लगा लेंगे तो इसके बाद हम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक को भी टेस्ट कर लेंगे। तो मैं उसके करीब पहुँच चुका हूँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक को चेक करने के लिए, लेकिन उससे पहले इसका फेस अनलॉक हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तो हमारा 70% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है फेस लॉक, और ये 100% कंप्लीट होने के बाद इसको हम चेक करते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है हमारा फेस लॉक। और फ्रंट फेस लॉक की जगह पे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर रात के टाइम जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है ऐसी अनलॉकिंग में, ये फेस अनलॉक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें जो सेटिंग्स है वो डायरेक्टली फेस के साथ नहीं है बल्कि स्वाइप टू अनलॉक के साथ है। जब भी आप फ़ोन का फेस अनलॉक करेंगे आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, तो इससे आप ये है कि इसका जो लॉक है वो डायरेक्टली अनलॉक करें फेस के साथ। तो आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट फेस अनलॉकिंग है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैकेनिज्म इसका। और मैं आपको कह रहा था अगर लो लाइट कैप्चरिंग में और फेस अनलॉक को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और इसके साथ साथ इसमें जो फ्लॉज हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इस पर टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन मुझे पर्सनली फेस अनलॉक की जगह आप कह लें कि बायोमेट्रिक जो लॉक है वो ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होता है, क्योंकि फेस अनलॉक जो है आप जिस फेस के सामने करें तो आपका फ़ौरन ही वो अनलॉक कर देता है। अगर आपने फेस अनलॉक यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप उस पर ऐप इंक्रिप्शन जो है वो लाजमी रखें, ताकि आपका जो फ़ोन है अगर वो फेस अनलॉक हो भी जाए लेकिन आपको पता ना हो तो उसका डाटा जो है वो मिसयूज़ ना हो सके। तो आप देख सकते हैं इसका जो बायोमेट्रिक अनलॉक है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मैंने A50 के अंदर टेस्ट किया था, आप उसके अनबॉक्सिंग में जाकर देख सकते हैं, तो उसका जो बायोमेट्रिक लॉक था वो थोड़ा सा डिले कर रहा था, लेकिन इसका जो बायोमेट्रिक लॉक है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है A50 के निस्बत। इस लिहाज से मैं इससे थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ। ओवरऑल फ़ोन की जो लुक है और जो फील है वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसके वेट की बात कर लें तो
तो 183 ग्राम्स वेट है। बॉडी इसकी प्लास्टिक में है, आप ग्लास बॉडी देखने को नहीं मिलती, जिसका फ़ायदा है यार, जो ग्लास बॉडी है ना आपको पता है कि वो एक दफ़ा गिरता है फ़ोन तो टूट जाती है। प्लास्टिक बॉडी में ये फ़ायदा होता है कि आपका जो फ़ोन है वो टूटने से बच जाता है गिरने के बाद। इसका फिंगरप्रिंट भी इनरोल हो गया, अगर हम इसको चेक करें तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है इसका फिंगरप्रिंट लॉक। और ये मेरा फेस से हो गया था अनलॉक, अब मैं दोबारा फिंगरप्रिंट आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर जाता है। और अगर आपका फ़ोन बंद भी होगा ना, यानी आपको पावर बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये आपके स्क्रीन ऑफ के ऊपर भी जो है वर्क कर जाता है, जिससे आपको जो ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल A70 के जो स्पेक्स हैं काफ़ी बैलेंस्ड हैं। जस्ट इसके अंदर अगर प्रोसेसर 800 सीरीज़ का होता और नॉच ना होती ऊपर तो ये ज़्यादा बेहतर होता। सो कैसा लगा आपको ओवरऑल फ़ोन A70, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका कलर कैसा लगा, हमारी अनबॉक्सिंग कैसी लगी, अपनी फीडबैक ज़रूर दें, मैं वेट करूँगा आपकी फीडबैक का। जी तो कैसे लगी आपको सैमसंग A70 की अनबॉक्सिंग प्लस थोड़ी सी डिस्कशन? आज मैंने डिस्कशन को थोड़ा लंबा किया है क्योंकि मुझे काफी सारे लोग फीडबैक दे रहे थे यार थोड़ी सी डिस्कशन को लेंथी अप करो, मैंने कर दी। कैसी फीडबैक लगी आपको जरूर शेयर कीजिएगा। और आप में से कौन कौन A70 ऑलरेडी यूज कर रहा है उस वाले से भी अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सलाम है।